Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay. दोस्तों मैं यहाँ पर नेट जारा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। देखो आज जो महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में हाल ही में सैट का एग्जाम होने वाला है और अगस्त में नेट जर्फ का एग्जाम होने वाला है, तो इन दोनों एग्जाम्स के लिए हम यहाँ पर फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर में हम प्रेजेंट टाइम में इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें जो चैप्टर 10 था उसमें हमने पढ़ा था जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय समझौते, कौन से राष्ट्रीय समझौते। और अब हम बात करेंगे चैप्टर 11 में कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते। चैप्टर 10 में पढ़ा था जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय समझौते और चैप्टर 11 में पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते। और इन समझौतों को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल जैसे जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय है, जलवायु परिवर्तन पर, ग्लोबल वार्मिंग पर। मतलब हमें बेस ऑफ एग्जाम पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन को कितना ही घुमा कर किसी भी तरीके से क्यों ना पूछें, हम उसका सही आंसर 100% दें। तो जो जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनमें आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। और जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जैव विविधता सम्मेलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। देखो यह संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में लाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो CBD है, जिसको हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में लाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह संधि वर्ष 1992 में रियो डी जनेरो, जो कि ब्राजील में है, में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान 171 देशों द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी। कि जो जैव विविधता सम्मेलन था, जिसको हम CBD बोलते हैं, यह वर्ष 1922 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें टोटल 171 देशों शामिल थे। तो उन 171 देशों के द्वारा सिग्नेचर करने पर 1992 में CBD आई थी, ठीक है, कॉन्वेंशन जो जैव विविधता सम्मेलन था वो लागू हुआ था। यह संधि 23 दिसंबर 1993 से प्रभावी है, जो जैव विविधता सम्मेलन की जो संधि है वो 23 दिसंबर 1993 से प्रभावी है। जैव विविधता सम्मेलन, जिसको अब हम अभिसम भी बोलते हैं, अभिसमय भी, इसके तीन प्रमुख लक्ष्य हैं। जैव विविधता सम्मेलन के तीन प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा है जैव विविधता के अवयवों का सर्वोत्तम प्रयोग, और तीसरा है जेनेटिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का उचित और समतापूर्ण वितरण। ये तीन थे जैव विविधता सम्मेलन के लक्ष्य। इसको हम जैव विविधता सम्मेलन 1992 भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कब, देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं, जैव विविधता सम्मेलन कब प्रारंभ किया गया था 1992 में, जैव विविधता सम्मेलन कब प्रभावी हुआ था 1993 में। दो क्वेश्चन बन रहे हैं, पहला क्वेश्चन जैव विविधता सम्मेलन लागू कब हुआ था 1992 में, और यह प्रभावी कब हुआ था 1993 में, ठीक है। अब भाई आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। इस सम्मेलन के अनुसार जीव पेड़ पौधे उस देश की संपत्ति माने जाएंगे जिस देश में ये होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा सम्मेलन था जिसके तहत यह नीति लाई गई कि जीव जंतु और पेड़ पौधे उसी देश की संपत्ति मानी जाएंगी जिस देश में ये हैं। तो ये सारी बातें आई थी जैव विविधता सम्मेलन में, ठीक है। इस संधि के उद्देश्यों के लिए भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया। जो जैव विविधता सम्मेलन था, इसी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया।
और जो ये जैव विविधता सम्मेलन था, इसका उद्देश्य था जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना। जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना। और इसका जो मूल संदेश था, जो जैव विविधता सम्मेलन था, इसका मूल संदेश था पहुंच और लाभ सेवाएं, जिसको हम इंग्लिश में ABS बोलते हैं, एक्सेस एंड बेनिफिट सर्विस। क्या बोलते हैं? एक्सेस एंड बेनिफिट सर्विस, पहुंच और लाभ सेवाएं, ABS। ये किसका मूल संदेश था? दिमाग को घुमाओ कि ABS किससे संबंधित है। जैव विविधता सम्मेलन से कब आया था? 1992 में। प्रभावी कब हुआ था? 1993 में। ये कौन से सम्मेलन से संबंधित है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन से, जो कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरो, ब्राजील की राजधानी में। इसमें कितने देश शामिल थे? 171। इसके कितने टोटल लक्ष्य थे? 3 लक्ष्य। तीनों लक्ष्य कौन कौन से हैं? जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता के अवयवों का संवहनीय प्रयोग और जेनेटिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले उचित लाभों का उचित और समतापूर्ण वितरण। हो गया एक बार रिवीजन यहां पर। भारत ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया? 2002 में। किसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए? जैव विविधता सम्मेलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ रिवीजन एक बार सुन लो बस। ऐसा कौन सा सम्मेलन था जिसमें यह नीति अपनाई गई कि जीव जंतु और पेड़ पौधे उसी देश की संपत्ति मानी जाएंगे जिस देश में वो पाए जाते हैं? तो भाई साहब, ये भी जैव विविधता सम्मेलन से ही था। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जहां से क्वेश्चन बन सकता है, 100% बनेगा। आपको ये ध्यान रखना है, जैव विविधता से संबंधित अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। वो पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल या कौन से सम्मेलन हैं जो जैव विविधता से संबंध रखते हैं। कौन से प्रोटोकॉल हैं जो जैव विविधता से संबंध रखते हैं? इस तरीके का क्वेश्चन एक बार नहीं, बहुत सारी बार पूछा हुआ है, तो इसलिए हमें ये बहुत सही ढंग से याद करना है। एक है कार्टागोनो प्रोटोकॉल, एक है नयोगा प्रोटोकॉल, उसके बाद है MAB, मैन एंड बायोस्फीयर, मनुष्य और जैवमंडल कार्यक्रम। उसके बाद है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट, रामसर कॉन्फ्रेंस ऑन वेटलैंड, जिसको हम बोलते हैं रामसर सम्मेलन। इसके अलावा है होप स्पॉट, इसके अलावा है IUCN, क्या है IUCN, इनकी फुल फॉर्मों को रटना है। इसका फुल फॉर्म बताता हूं मैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। IUCN किससे संबंधित है? जैव विविधता से। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ किससे संबंधित है? जैव विविधता से। नयोगा प्रोटोकॉल और कार्टागेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता से। MAB किससे संबंधित है? जैव विविधता से। ठीक है, उसके बाद है WWF, वर्ल्ड वाइड फाउंड फॉर नेचर, प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कॉस, ये भी जैव विविधता से संबंधित है। उसके बाद है CITES, साइटस, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फूना एंड फ्लोरा, साइट किससे संबंधित है? जैव विविधता के सम्मेलन से। साइट का फुल फॉर्म बताओ, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फूना एंड फ्लोरा। ठीक है, अब आ गया हूं भाई
जैव विविधता सम्मेलन CBD पर भारत ने अपनी छठी रिपोर्ट 2018 में सौंपी है। यहाँ पर छठी छह है। क्वेश्चन है कि जैव विविधता सम्मेलन CBD पर भारत ने अपनी छठी रिपोर्ट कब सौंपी? 2018 में। वर्ष 2010 जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया? 2010 में। 22 अक्टूबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से 2020 की अवधि को जैव विविधता के संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में मनाने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 को क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से 2020 तक की अवधि को जैव विविधता के संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में मनाने की घोषणा कब की थी? 22 दिसंबर को। दूसरा, जैव विविधता दशक कब मनाया जाता है? 2011 से 2020 तक। 22 दिसंबर को कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कॉर्टोगेना प्रोटोकॉल। भाई लोगों प्यार से पढ़ लो। कॉर्टोगेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को हस्ताक्षरित हुआ और 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ। दोनों डेट याद रखनी है, चाहे डेट याद मत रखो लेकिन सन तो जरूर याद रखनी है। कॉर्टोगेना प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित कब हुआ? 2000 में। लागू कब हुआ? 2003 में। यह पेरिस में आयोजित जैव विविधता सम्मेलन में अंगीकृत किया गया। जो कॉर्टोगेना प्रोटोकॉल था वो पेरिस में एक जैव विविधता सम्मेलन अंगीकृत किया गया, जैव विविधता सम्मेलन था उसमें कॉर्टोगेना प्रोटोकॉल को अंगीकृत किया गया था। कॉर्टोगेना प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? जैव सुरक्षा सुनिश्चित करना। भाई जो कॉर्टोगेना प्रोटोकॉल है उसका उद्देश्य क्या है? जैव सुरक्षा सुनिश्चित करना। LMOS लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिम्स इसी सम्मेलन से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये नेट के पेपर में, एक 2006 के आसपास और एक 2010 के आसपास, कि LMOS कौन से सम्मेलन से संबंधित है? कॉर्टोगेना प्रोटोकॉल से। कौन से? कॉर्टोगेना प्रोटोकॉल से। LMOS का फुल फॉर्म क्या है? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिम्स। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि LMOS क्या है। आंसर, यदि कोई देश ऐसा महसूस करे, यहाँ पर हम महसूस कर रहे हैं, वहां पर देश महसूस कर रहे हैं, कोई आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव का उत्पाद उसके पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। भाई लोगों, यदि कोई देश ऐसा महसूस करे कि कोई आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव का उत्पाद या उत्पादन उस देश के पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है तो वह देश उस उत्पाद पर प्रतिबंध लगा सकता है। और यदि कोई भी ऐसा उत्पाद जिसमें LMO का प्रयोग किया गया हो उसके पैकेट के ऊपर उसका विवरण देना अति आवश्यक है। समझ गए होंगे LMOS क्या है, कि यदि कोई देश ऐसा महसूस करे कि कोई आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव का उत्पादन उसके पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है तो वो देश उस उत्पाद के ऊपर बैन लगा सकता है। ये क्या है? LMO नीति है। और इसके लिए, इसके अलावा यदि कोई देश अपने उत्पाद में LMO का प्रयोग कर रहा है तो उसे उस उत्पाद के पैकेट के ऊपर LMO का विवरण देना होगा। ठीक है, LMO किससे संबंधित है? कॉर्टोगेना प्रोटोकॉल से। कॉर्टोगेना प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित कब हुआ? 2000 में। लागू कब हुआ? 2003 में। तो मैंने इसका कई बार रिवीजन करवा दिया आपको, यहाँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है
उसके बारे में नेओ का प्रोटोकॉल पढ़ेंगे हम और MAB पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसमें हम नेओ का प्रोटोकॉल, MAB और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये तीनों पढ़ेंगे। तो प्लीज़ इसी तरीके से आपको ये तीनों पढ़ने हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाओ और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखो। हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव भी मैं अभी डालने वाला हूँ तो उस ऑब्जेक्टिव को भी ज़रूर देखना, ठीक है? बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, जो लाल सा बटन दिख रहा होगा आपको जहाँ पर SUCRIBE ये लिखा होगा, धीरे धीरे SUSA, उसको दबा दो, फिर घंटी पर जाओ, फिर 3 घंटी आएंगी, फिर ऑल के ऊपर दबा दो। बस इतना रिक्वेस्ट है, थैंक्स देखने के लिए, बाय।